हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब अच्छे स्वस्थ और मस्त होंगे और आप सबकी पढ़ाई बेहतरीन चल रही होगी। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे भिन्न का जोड़, घटाना, गुणा और भाग। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं यहाँ पे भिन्न का जोड़ कैसे हल करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम भिन्न का जोड़ हल करते हैं, तो एक लाइन ऐसे खींच लेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे बच्चों, ऐसे तिरछा तिरछा गुणा कर देंगे। चार में दो का गुणा करेंगे बच्चों, चार दूनी आठ आ जाएगा, प्लस लगा देंगे। फिर तीन में तीन का गुणा कर देंगे बच्चों, तीन में तीन गुणा करेंगे आएगा नौ। अब हम क्या करेंगे, हर में हर का गुणा कर देंगे, इसका गुणा तीन में चार का गुणा कर देंगे बच्चों, तो आ जाएगा बारह। इसको हल कर लेंगे, आठ में नौ जोड़ेंगे दोस्तों, आ जाएगा यहाँ पे सत्रह, सत्रह बटा बारह, ये इसका आंसर हो जाएगा। दूसरा सवाल देखते हैं भिन्न का घटाना, इसको भी इसी तरह से हल करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, हम इधर से गुणा करेंगे, दो में एक का गुणा करेंगे, दो में एक का गुणा करेंगे आएगा दो माइनस। फिर तीन में एक का गुणा करेंगे, तीन में एक का गुणा करेंगे आएगा तीन। और नीचे क्या लिखेंगे दोस्तों, तीन में दो का गुणा करेंगे, तीन दूना छह। इसको हल करते हैं यहाँ पे, दो में से तीन नहीं घटेगा तो इसको उल्टा घटाएंगे, तीन में से दो गए एक। जब भी उल्टा घटाना घटता है तो यहाँ पे हम माइनस लगा देते हैं, तो माइनस एक बटा छह इसका आंसर हो गया। भिन्न का गुणा देखते हैं दोस्तों, यहाँ पे भिन्न का गुणा बहुत सरल होता है। आप क्या करिए, अंश में अंश का गुणा कर दीजिए, तीन पचे पंद्रह हो जाएगा, बटे हर में हर का गुणा कर दीजिए, सचौक अट्ठाईस, ये इसका आंसर हो जाएगा। भिन्न का गुणा बहुत ही सरल होता है बच्चों। चलिए भिन्न का भाग देखते हैं यहाँ पे कैसे हल करते हैं। यहाँ पे तो भिन्न का भाग हल करने के लिए सबसे पहले दी गई पहली संख्या को हम ऐसे ही उतार लेंगे और भाग की जगह गुणा का चिन्ह लगा देंगे और इनको पलट देंगे, तीन ऊपर हो जाएगा एक नीचे हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे बच्चों, एक में तीन का गुणा कर देंगे तीन आ जाएगा, फिर दो में एक का गुणा कर देंगे दो आ जाएगा, तो तीन बटा दो इसका आंसर हो जाएगा। उम्मीद है कि बच्चों ये आप सबको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।